ये क्या किया हुआ इस बच्ची ने? जन्नत इधर इधर इधर, ये देखो भाई जन्नत, जन्नत के मामले इसको गोद। और अभी यहाँ पे जो हमारा खाना लग चुका है और सब बैठ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। जन्नत बोल दो पापा, अभी जो हम लोग अम्मी के यहाँ जाने लगे हैं। और ये देखे मंतशा और मनाली को कैसे तैयार हुई है। और जन्नत जी अपने यहाँ पे अब्बा बेटी मोबाइल में लगे हुए हैं। जय यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है अम्मी के घर पे और अम्मी जय खाना निकाल ली है। और यहाँ पे देखे हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और यहाँ पे चाय भी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज भी हमारे यहाँ पे मेहमान आ गए घर में। और ये देखे मंतशा ने मोबाइल कर दिया, मेहमान आए। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप भी करूँगी, शेयर करती रहूँगी। ये देखें यहाँ पर जो है जन्नत तैयार हो रही है, अब नए नए ईद के तीसरे दिन के कपड़े पहन रही हैं। और नहीं तीसरे दिन का तो फ्रेश कट है, लेकिन इसकी दादी ने दिया। अच्छा, ये ईद ये तीसरे दिन कपड़े नहीं है, ये इसकी दादी ने कपड़े दिए हैं इसको गिफ्ट। ये दादी ने दिए, दादी ने देखो देखो ये दादी ने कपड़े दिए मेरी बेटी को, मेरी से दादी को, दादी कपड़े लाएंगे। पापा को दिखाओ, पापा को देखो, पापा पापा देख, ये दादी ने कपड़े दिए हैं। ये पाले पाले कपड़े किसने दिए हैं? किसने दिए हैं जन्नत को? दादी ने, दादी ने दिए। गंदा बच्चा, बैठो बाल बनो, बाल 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 बनो। जन्नत जो है ना अब तैयार हो गई है, कपड़े उसने पहन लिए। तो वो कह रही है कि बस हमने जाना है बाहर, हमने रुकना नहीं है। और मंतशा का जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है बुखार अब कम हो चुका है। ये देखें ये लेटी है रिजवान के साथ, काफ़ी हद तक अब मंतशा का बुखार सेट हो गया। अल्लाह ने कहा तो अभी एक खुराक और खाएगी इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगी। और जन्नत ने अपना रोना रोना मचाया हुआ है कि मैं तैयार हो गई हूँ, बस चलो बाहर लेकर मुझे निकलो। ये क्या किया हुआ इस बच्ची ने? जन्नत इधर इधर इधर, ये देखो भाई जन्नत, जन्नत के मामले इसको गोदों में लेके घुमा रहे हैं। और जन्नत के काम देखो, बड़ी ड्रामबाज है ये लड़की। ये क्या किया है कपड़ों के साथ और मुंह के साथ? जन्नत आईता बेबी। अभी ये जेना खाना हम लोगों ने बाहर से मंगाया है, अभी यहाँ पे जेना खाना निकालते हैं। सोनिया और खाला की बच्ची हैं सब, और मैं जो हूँ जन्नत को लेके बैठी हुई हूँ। और अभी यहाँ पे जो हमारा खाना लग चुका है और सब बैठ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। अभी सब नहीं बैठे, अभी काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं आ रही है। यहाँ पर जो है ना हमारे मेहमान जा रहे हैं, कुछ रिक्शे में बैठेंगे कुछ बाइक में। पापा जन्नत बोल दो पापा, पापा माँ चटके कैसे देख ले माँ को? पापा 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 नहीं, जन्नत बोलेगी मम्मा। जन्नत जन्नत बोलो मम्मा। ए माने लगी रे, नहीं उसके मुंह से निकाल दीजिए बस। जन्नत नो बेबी, जन्नत जन्नत मम्मा मम्मा, रुको एक मिनट मम्मा। चने ए चने बोलो मम्मा। जन्नत बोलो मम्मा। नहीं आ रही। अच्छा पापा पास? नहीं आ मेरे पास, अब नहीं आना। पापा के पास आओ, पापा के पास। नहीं आना। अच्छा उसको उसको रिजु मामू के पास रहने अपने। अब आई ना मैं मुंह तोड़ूंगी, मेरे पास आई मतलब से गई उसके पास। मैं मुंह तोड़ूंगी, मुंह तोड़ूंगी, ऐसे मुंह तोड़ूंगी। अब आई मम्मा के पास से। गंदी बच्ची। अभी जो हम लोग अम्मी के जाने लगे हैं और ये देखे मंतशा और मनाली को कैसे तैयार हुई है। और जन्नत जी अपने पापा की गोद में, मंतशा का ड्रेस देखें। मंतशा इधर देखो मम्मा के पास,
और मंतशा ने पर्स वही लिया हुआ जो इसकी दादी ने दिया। हाँ ये टिड्डा भी अभी जो है ना बैठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे देखें यहाँ मम्मी के घर पे आ चुके हैं और परी का ड्रेस देखें। परी जन्नत को उतारो फिर सही से बनवाओ। हाँ यहाँ पे ये देखें ये परी का ड्रेस जो है ना इसको मैं दिला के लाई थी परी और मैं विश को। और ये इसमें देखें कितनी प्यारी लग रही है। आज जन्नत को नीचे डाल दिया था जन्नत को रोना आ गया। और यहाँ पे देखे अम्मी के आके जन्नत सो गई है और उस्मान चाय बना के लाया। चाय दिखाओ मेरी चाय दिखाओ खाली। अच्छा मैं मुझे इसने अलग उठा के दे दी बाकी इन सबकी ट्रे में रखी हुई है और लाइट आनी रही है इनके घर पे। और ये लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। एमडी भी आया हुआ है। एमडी तेरे पीछे तो बड़ी बहुत एक करेला इतना चुना सा लगा हुआ है ऊपर। ये ऊपर लगा दिए पौधे तुमने ऊपर नहीं है ये नहीं बना रहे। यहाँ पे अब्बा बेटी मोबाइल में लगे हुए। जन्नत इधर खड़ी हो आज आपकी बर्थडे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है अम्मी के घर पे और अम्मी जो खाना निकालनी है और मंतशाही बैठी हुई है। जन्नत टमाटर खा रही है। और क्या बनाया पुलाव बनाया बिरयानी बनाई है बिरयानी सलाद और ये रायता। और यहाँ पे देखे हम लोगों ने खाना ना खा लिया है और यहाँ पे चाय भी बनकर आ गई है। और ये जन्नत और मंतशा को देखें क्या कर रही है। जन्नत जन्नत आजकल यहाँ पे एंड करने लगी और जैसे कि आपको मैंने देखा बहुत ज़्यादा मसरूफियात गुजरी है मेरी। ईद के तीनों दिन ऐसे गए कि बस मैं तो कहीं जा नहीं पाई। माशाल्लाह मेरे यहाँ सब आते रहे और अल्लाह पाक ऐसी बढ़ता रहता है मेहमानों के आने से हर तरह कोई आता है। जबकि मैं छोटी हूँ मुझे सब जगह जाना चाहिए सबसे जाके मिलना चाहिए लेकिन माशाल्लाह से मेरी आपी वगैरह मेरी खाला वगैरह सब इतने अच्छे हैं तो वो लोग इन चीज़ों को फील नहीं करते कि जो है ना मैं छोटी हूँ तो मुझे जाना चाहिए। नहीं इतना सब मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं कि जो है ना खुद आ जाते हैं मेरे यहाँ। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्पेशली दावत देना या बुलाना नहीं ये बस क्लोज और मोहब्बत होती है जिसकी वजह से जो है ना आते हैं। वरना पाक ने बस इस काबिल समझा है कि अल्लाह पाक हमारे घर में जो है ना मेहमानों को भेजते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना आता है और फुल इन्जॉयमेंट हो जाती सब कुछ। और बाकी बस मुझे ना आज का दिन भी ऐसे ही मसरूफ गया। कल अम्मी और आप ही लोग आए हुए थे आज खाला आ गई थी। मैं अम्मी क्या नहीं गई थी काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल में लास्ट रमज़ान में गई थी मैं शायद वो भी थोड़ी देर के लिए तारीख में लास्ट टाइम गई थी। उसके बाद ईद पे मेरा जाना नहीं हुआ अम्मी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अम्मी लोग आ गए थे घर पर लेकिन मेरा तो फर्ज था वहाँ जाना अम्मी से मिलना। तो फिर जो है कल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अम्मी के यहाँ भी चली गई। वहाँ पर भी जाकर खूब मज़े किए भाई वगैरह सब ने हम लोगों ने। तो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन थी तो जिसकी वजह से कि मैं थकान हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से जो है मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं की थी वीडियोज़ वगैरह। तो ये कि जो भी मुझसे शेयर हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस दुआ में याद रखिएगा ठीक है ना। आप लोगों का जो ना बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं उसके लिए आप सबका थैंक यू बहुत बहुत। तो बस आप लोग ऐसे ही अपना जो ना प्यार दिखाते रहें हिम्मत मिलती है आप लोगों के प्यार से आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स से।
तो इंशाल्लाह कल की रूटीन जो भी होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू रूटीन, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।